हमें तोरी आई है मंदिर हमें तोरी आई पिताजी घर हमें तोरी भक्तों की वो जा स्वीकारो नाथ हमें आधारो पिताजी घर वामी तोरी आई है मंदिर वामी तोरी आई पिताजी घर वामी तोरी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट की कृपा ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्राइस्ट में प्यारे विश्वासियों, आज पूजन विधि वर्ष के 17वां रविवार, आज के दिन माता कलीसिया हमसे अनुरोध करती हैं कि हम प्रार्थना के बारे में मनन चिंतन करें, प्रार्थना के महत्व के बारे में हम मनन चिंतन करें। हम अक्सर प्रार्थना तो जरूर करते हैं, क्या प्रार्थना मेरे मुंह से निकले हुए शब्द हैं या मेरे जीवन का एक भाग है। आज जैसे हम इस मिसा बलिदान शुरू करते हैं, अपनी सभी प्रार्थनाओं को, अपनी सभी आहों को, सभी चिंताओं को, सभी पीड़ाओं को, वेदनाओं को, सभी जरूरतों को प्रभु के चरणों तले समर्पित करें। हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हमसे इस दिन प्रार्थना की अर्जी की है, मांग की है, उन सभी को हम इस वेदी पर लाएं, उनके लिए प्रार्थना करें। हम भी अपने आप को तैयार करें, प्रभु के शरीर और रक्त को योग्य रीति से आध्यात्मिक रूप से ग्रुप में ग्रहण करने के लिए। आइए हम इस मिसा बलिदान के लिए अपने आप को तैयार करें और हमारे पापों से, हमारे त्रुटियों से ईश्वर से माफ़ी मांगें। प्रभु की असीम दया और अनुकंपा पर विश्वास करते हुए हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना,
प्रभु हम पे दया करना, आए हैं पास तुम्हारे, आए हैं पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना, सारे पाप क्षमा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। धरती पर पाई शांति हितैषी सारे, आ हम तेरा गुण गौरव गाते, धन्य धन्य हम तुझे मनाते, तेरी पूजन में रम जाते, हम तेरी महिमा को ध्याते, धन्यवाद हम देते तुझको, तब विराट महिमा के कारण, हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पितु परमेश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त धन्य है, इकलौते सुवन पिता के, परम मेमने परमेश्वर के, परम पिता के बेटे ईश्वर, जिसने हरे पाप दुनिया की, दया वही प्रभु हम पर कर दे, जिसने हरे शाप दुनिया के, विनती यही हमारी सुन ले, जो कि बैठता पितु के दाई, करुणा करे वही प्रभु हम पर, क्योंकि परम पावन केवल तू, केवल तू ही है प्रभु स्वामी, केवल तू सबसे ऊंचा है, हे प्रभु यीशु कृष्ण दयामय, पावन आत्मा संग विराजे, तू महिमा में परम पिता की, तू अपने भक्तों की रक्षा करता है, तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है, हमारा हृदय अपने करुणा से भर दे, ताकि हम संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए चिरस्थायी वस्तुओं में मन लगाए रहे। यह वरदान हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और जिह्वा को शुद्ध करें, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। वर्ष का 17वां इतवार,
पहला पाठ। ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा के निवासियों का उनके पापाचरण का दंड देने का निश्चय किया था। इब्राहिम ईश्वर से अनुरोध करते हैं कि वह पापियों के साथ धर्मियों को भी नष्ट ना करें, किंतु उन शहरों में 10 धर्मी भी नहीं मिले। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य संख्या 20 से 32। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है, प्रभु क्रोध ना करें और मुझे बोलने दें। प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उतरकर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज़ पहुँची है उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे दो पुरुष वहाँ से विदा होकर सोदोम की ओर चले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को भी नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी हैं, क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी तथा पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू यह कैसा कर सकता है? क्या समस्त पृथ्वी का न्यायकर्ता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए पूरा नगर बचाए रखूंगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो, क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है वहाँ केवल 40 मिले? प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध ना करें और मुझे बोलने दें, हो सकता है कि वहाँ केवल 30 मिलें। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी दृष्टता पर क्षमा कर, हो सकता है कि केवल 20 मिलें। और उसने उत्तर दिया, 20 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा ना माने तो मैं एक बार और निवेदन करूँगा, हो सकता है कि केवल 10 मिल जाएं। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। फूलों को जिसने सजाया संवारा वह ईश्वर मेरा पिता है। फूलों को जिसने सजाया संवारा वह ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे
मुझे कोई चिंता नहीं है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 12 से 14। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने हमारे सब अपराध क्षमा कर हमें मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। आप लोग पाप के कारण और अपने शरीर के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियम का वह बंधपत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सन्न मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है, धन्य प्रभु की कामनोधि, उसका नाम महान है। अलीलुया अलीलुया अलीलू अलीलू अलीलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे योहन ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। फिर यीशु ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहां पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना कर, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता, मैं तुमसे कहता हूं वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ न दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूं मांगो और तुम्हें
दिया जाएगा। ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा, अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छे दान देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हम चंद क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को खुला रखें, ईश्वर की आशीष की हम कामना करते हैं। जो वचन हमने सुना है वह वचन हमारे अंतरतम में 100 गुना, कई 60 गुना, कई 30 गुना फल उत्पन्न करें। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के लिए हम प्रार्थना करें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के तीनों पाठों में माता कलीसिया हमसे आह्वान करते हैं कि हम प्रार्थना के बारे में मनन चिंतन करें। प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कैसे करते हैं और प्रार्थना में कितनी शक्ति है, इनके बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। अगर आपसे कोई भी यह सवाल पूछते हैं कि प्रार्थना क्या है, तो हम सरलता से ही ये बोल सकते हैं, प्रार्थना एक वार्तालाप है, प्रार्थना एक संबंध है, प्रार्थना मन की शांति है, प्रार्थना ईश्वर के साथ एक मित्रता है, प्रार्थना निर्भरता है, डिपेंडेंसी ऑन गॉड। अलग अलग डेफिनेशंस हम दे सकते हैं, लेकिन किसी ने सही कहा है, नो वन कैन डिफाइन प्रेयर अनलेस वन प्रेज। कोई भी प्रार्थना का परिभाषा नहीं बोल सकता है सिवाय जो प्रार्थना करता है। इसका मतलब यह है, प्रार्थना ना ही एक वार्तालाप है, ना ही एक संबंध है, ना ही एक मन की शांति है, ना ही मित्रता या निर्भरता है। प्रार्थना एक अनुभूति है, प्रभु के साथ एक होने का एक अनुभूति। प्रेयर इज कम्युनियन, प्रेयर इज कम्युनियन विद द लॉर्ड। प्रभु के साथ एक होने का वह अनुभूति है प्रार्थना। हम देखते हैं प्रभु यीशु को प्रार्थना में मग्न रहते हुए कई बार हम सुसमाचार में देखते हैं। रात के समय या तट के सुबह प्रभु प्रार्थना में लीन रहते हैं, वह प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ, अपने पिता के साथ एक हो जाते हैं। A complete communion with the Lord। और वह हमसे आह्वान भी करते हैं सुसमाचार में कई बार, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7:7, मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 11:24 में, संत योहन के सुसमाचार अध्याय के 14:14 में, 15:7-16, ऐसा अलग अलग हम रेफरेंसेस हम ढूंढ सकते हैं बाइबल में, जहां प्रार्थना के बारे में प्रभु येसु हमसे कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्रार्थना के महत्व के बारे में, प्रार्थना के अनिवार्यता के बारे में प्रभु येसु हमसे कहते हैं। एक बार एक
शिष्य ने अपने गुरु से ये पूछा, प्रार्थना क्या होता है? और शिष्य उल्टा उनसे पूछते हैं कि आपका क्या विचार है प्रार्थना? मेरे डेली जो जितने भी प्रार्थनाएं हैं वो सब बोलना और उसके अनुसार जीवन बिताना ही प्रार्थना है। लेकिन गुरु ने कहा, ए ब्लैंकेट इज नॉट ए ब्लैंकेट अनलेस इट कीप्स यू वार्म। उनका कहने का तात्पर्य है, एक रजाई को हम रजाई नहीं कह सकते हैं जब तक वो आपको गर्म नहीं रखता है। इसका अर्थ यह है कि हम मुंह से बहुत सारी प्रार्थनाएं बोलते हैं, हम चर्च जाते हैं, हमारे पारिवारिक प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन अगर हमारा जीवन इन प्रार्थनाओं का अनुसार नहीं है तो मेरी प्रार्थना व्यर्थ है। इसलिए हमें हमारी प्रार्थना हमारा जीवन बनना चाहिए, हमारा जीवन हमारा प्रार्थना के एक साक्ष्य बनना चाहिए। इसका बहुत सारे उदाहरण हम बाइबल में देख सकते हैं। सर्वप्रथम मूसा नबी को हम देखते हैं, स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 106 का 23 में हम पढ़ते हैं, वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, इसराइल जनता की सर्वनाश करने का सोच रहा था प्रभु, किंतु उसके कृपा पात्र मूसा बीच में आए और ईश्वर ने उन पर से अपना विनाशकारी क्रोध हटा दिया। मूसा नबी प्रभु के सामने आकर के वह अनुनय विनय करते हैं अपनी जनता के लिए और प्रभु का क्रोध थम जाते हैं। ये प्रार्थना की शक्ति है, प्रार्थना प्रभु के क्रोध को कम कर सकते हैं। हम इसी का वर्णन दिया गया है निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 32 के 30 से अगर पढ़ते हैं, यदि तू इन्हें क्षमा कर दे नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। इन्होंने एक बहुत बड़ा पाप किया है, इसराइली जनता ने एक बहुत बड़ा पाप किया है। क्या पाप किया है? उन्होंने स्वर्ण का देवता बनाया है और उसकी आराधना कर रहे हैं। और यहाँ प्रभु मूसा नबी जब उसको देखा, प्रभु के साथ वार्तालाप करते हुए यह कहते हैं, दूसरे दिन मूसा ने इसराइलियों से कहा, तुम लोगों ने घोर पाप किया है, मैं अभी जाकर ईश्वर से बात करता हूँ। और ईश्वर से बात करते समय ईश्वर मूसा नबी उनसे कहते हैं, हाँ इन लोगों ने घोर पाप किया है, इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया है, ओह यदि तुम इन्हें क्षमा कर दो, यदि तुम इन्हें क्षमा कर दो, अगर क्षमा नहीं करते हैं तो मेरा नाम मिटा दे, मेरा नाम अपने लिखी हुई पुस्तक से मिटा दे, अपने इतिहास से मेरा नाम मिटा दे। प्रभु को धमकी दे रहे हैं मूसा नबी, इतना घनिष्ठ था उनका रिश्ता, मूसा नबी और ईश्वर के रिश्ता इतना घनिष्ठ था, क्योंकि यह पहले भी बताया गया था वह दोस्त के समान एक दूसरे के साथ बात करते थे। और आज के पहले पाठ में हम देखते हैं पिता इब्राहिम के साथ कैसे प्रभु बात करते हैं। ईश्वर सोदोम और गोमोरा को नष्ट करने जा रहा था, उसी समय पिता इब्राहिम के राय लेते हैं, तुम्हारा क्या विचार है? और पिता इब्राहिम कहते हैं, अगर वहाँ 50 धर्मी लोग हैं क्या तुम उसे नष्ट करेंगे? नहीं, मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। तो बार बार पिता इब्राहिम उनसे अनुनय विनय करते हैं और आखिरी में कहते हैं, कम से कम 10 होता। प्रभु कहते हैं, नहीं मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। हम देखते हैं जब प्रभु सोदोम और गोमोरा को नष्ट किया, उसके बाद यह लिखा गया है अध्याय 19 के वाक्यांश 29 में, इस प्रकार जब ईश्वर ने घाटी के नगरों का विनाश किया तो उसने इब्राहिम का ध्यान रखा और लोट की रक्षा की, तब उसने उन नगरों का विनाश किया
जहां वह रहता था। वहां एक धर्मी व्यक्ति था, उनका परिवार था, लौट और उनके परिवार, उसे प्रभु उनको बचा लिया। यह इसलिए क्योंकि इब्राहिम को याद किया, इब्राहिम की प्रार्थना की याद की। प्रार्थना में दम है प्रिय भाई और बहनों। हम देखते हैं और मूसा नबी का उदाहरण निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 17 वाक्यांश 8 से अगर पढ़ते हैं, अमलाकियों के साथ एक लड़ाई चलते हैं और वहाँ यह कहा जाता है, अमलाकी लोगों ने आकर रफीदीम में इसराइलियों पर आक्रमण किया। मूसा ने योशुआ से कहा, अपने लिए आदमी चुन लो और कल सुबह अमलकियों से युद्ध करने जाओ। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। मूसा नबी ईश्वर के डंडा लेकर पहाड़ी पर चोटी पर खड़े हो जाएंगे और योशुआ और उनके कुछ आदमियों को लेकर के वे लड़ाई करने जाएंगे अमलकियों के विरुद्ध। आगे हम देखते हैं, मूसा के आदेश के अनुसार योशुआ अमलकियों के युद्ध करने निकला और मूसा हारून तथा हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तक मूसा का हाथ ऊपर उठाए रहता तब तक इसराइली प्रबल बने रहते थे। जब तक मूसा नबी प्रार्थना की, उनके हाथ ऊंचा उठाया रहा, तब तक वह युद्ध जीतता रहा। लेकिन जब वो हाथ थक जाता था तो अमलकी प्रबल होते जाते थे, वो नीचे हो गया था। ये सूत्र, ये राज हूर और हारून ने देखा और उनने कहा, मूसा नबी आप बैठ जाओ और दोनों तरफ, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ हाथ उनका ऊंचा खड़ा रखा और जब तक अमलाकियों को इसराइल जनता ने परास्त नहीं किया। यह योशुआ का विक्ट्री नहीं था, यह जीत मूसा नबी की प्रार्थना की जीत है। प्रिय विश्वासियों, प्रार्थना में हम दृढ़ रहें, इसलिए हम गाते भी हैं, प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। जो मन से प्रार्थना करते हैं, प्रभु की दुआ करते हैं, वह कभी भी निराश नहीं लौटेंगे। आइए प्रिय भाइयों और बहनों, इस मिसा बलिदान में हम यही प्रार्थना करें, यही कृपा मांगे कि हमें प्रार्थना करने की शक्ति दे, ताकि प्रभु की वरदान का और प्रभु की एकता का, वह कम्युनियन का अनुभव मैं कर सकूं। आमीन। हम सब खड़े होकर अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा और स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथलिक तथा प्रेरित कलीसिया में
विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा आनंद जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, जो बातें यीशु ने अपने शिष्यों से कही थी वही बातें हमसे भी कहते हैं। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसी विश्वास के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष एवं याजकगण ईश्वर से प्रार्थना करने की महत्ता को समझे और प्रार्थना की शक्ति और ईश्वर की दया का अनुभव प्राप्त करें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय ईश्वर की कृपा से सभी तरह के प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर सके, शैतान के चुंगुल से बचे रहे और यह अनुभव करे कि परीक्षा की घड़ी में पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु उन्हें बल प्रदान करें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। रोग से पीड़ित लोग दुख की घड़ी में भी ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें और उनका विश्वास सदा उन पर बना रहे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो ईसाई अत्याचार सह रहे हैं वे अपने विश्वास में दृढ़ रहें और कठिनाइयों का साहस पूर्वक सामना कर सके, वे प्रार्थना करते रहें और अपने भरोसे और विश्वास को बनाए रखें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित हम सभी विश्वासी अपने प्रार्थनामय जीवन द्वारा ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाए और जो लोग हमें दुख पहुँचाते हैं उन्हें हम क्षमा कर सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम माउंट रूप से अपने सभी निजी प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष रखें। उन सभी को नाम से याद कीजिए जो आपसे प्रार्थना की अर्जी की है। जो भी हमारी प्रार्थना की जरूरत में है उनको भी हम याद करते हैं। जो भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं उनके लिए भी प्रभु की आशीष की हम कामना करते हैं। हे पिता ईश्वर, तू सबका स्वामी और गुरु है, हमें सभी तरह की परिस्थितियों में प्रार्थना करते रहने की कृपा दे और अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए हम तुझसे प्रार्थना करें। हम यह निवेदन करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। मर्जी प्रभु की समझ के जो भी किया, मर्जी प्रभु की नहीं थी ये जाने गया।
भी समझ तूने जो भी है उपजाया, काम तेरे वो है नहीं अब कुछ आया। जान भी लो मान भी लो स्वीकार करो प्रभु ये चढ़ावा, पावन बना लो ये उपहार, समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में, हम निसारेंगे यीशु चरण में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हम तुझे ये उपहार चढ़ाते हैं, इन्हें तूने ही हमें दिया है, यह परम पवित्र संस्कार तेरी कृपा के प्रभाव से हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रेस के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ, प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, उचित न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीनहीन बना दिया और कुवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की, इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है, प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता, होसाना 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 होसाना, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है, दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होसाना होसाना
होसाना होसाना होसाना होसाना होसाना होसाना होसाना धन्य है जो आया है धन्य है जो आएगा धन्य है जो आया है धन्य है जो आएगा ऊंचे स्वरों से मिलकर हम गाए होसाना 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 हे प्रभु तो वास्तव में पवित्र हैं सारी पवित्रता का स्रोत है हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा बलि चढ़ाया जाएगा हे मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और इसमें से पियो क्योंकि यह मेरे रक्त का कठोरा है नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा तुम मेरी स्मृति में यह करो हे मेरे प्रभु हे मेरे ईश्वर विश्वास का रहस्य हे प्रभु जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं इसलिए हे प्रभु हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कठोरा चढ़ाते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा
एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा दाता के आदेश पर और दिव्य शिष्या से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस पावन बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन के लिए रक्षा। Thank you.
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र युक्रिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। परम प्रसाद के रूप में प्रभु यीशु हमारे मन में आए हैं, हमारे जीवन में आए हैं। आध्यात्मिक रूप से हमने प्रभु को ग्रहण किया है। प्रभु के साथ एक होने का अनोखा समय है। मेरे दुर्बल शरीर को अपने शरीर से प्रभु ने मिला दिया है और शुद्ध किया है। मेरे पापी रक्त को प्रभु ने अपने रक्त से पूरे मैला पूरा मैल दूर कर दिया है, मुझे पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे दुर्बल शरीर में मिल जाए यीशु, मेरे पापी रक्त में घुल जाए यीशु, मिल जाए यीशु, घुल जाए यीशु। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह दिव्य संस्कार दिया है, यह हमें मुक्ति प्रदान करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रेस के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ, आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पावन आत्मा। आमीन। जाइए
समस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर।